हेलो गाइस, सो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स भी नहीं बोलूँगा, ये जस्ट बेसिक्स है, ठीक है। सो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बेसिक में लैक करते हैं, सो उनके लिए ये वीडियो। सो सबसे पहले आप ये जो आपका जो बेसिक है, जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसे हम एक बार देखेंगे। सो जब दो नंबर पॉजिटिव होता है तो आपको ऑपरेशन एडिशन करना पड़ता है, ठीक है, ये एडिशन है, ठीक है। और जो साइन होता है आंसर का वो हमेशा प्लस ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी आपको ऐड ही करना है, लेकिन आंसर में जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा। वेयर एज आप जब देखेंगे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, दो नंबर में सपोज पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। और जो साइन होगा वो हमेशा बिगर नंबर पे जो साइन है वो लगा जाएगा आपका आंसर में। सेम वे अगर पहला नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो भी आपका सब्ट्रैक्शन ही होगा और बड़े नंबर में जो साइन है वो लगता है आंसर में। सो सबसे पहले लेते हैं ये 2+3। सो 2+3 5 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। सो इसको कैसे 5 होता है देखिए। सो ये 2 के आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो पॉजिटिव और दो दूसरा भी पॉजिटिव, सो दोनों पॉजिटिव मिल करके आपको एक बड़ा पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। जैसे कि सोचिए कि ये 2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में 3 पॉजिटिव है, सो मिलकर हो जाएगा 5 पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए आंसर हम लोग को पॉजिटिव 5 आया है, ठीक है। जबकि ये दूसरा क्वेश्चन में है 2-3 इक्वल टू, सो ये होता है आपका -1। सो 2 जो पॉजिटिव है इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब फिर से बोल रहा हूँ पॉजिटिव है। सो जैसे ये 2 पॉजिटिव है तो ये 2 गुड पर्सन, और ये जो 3 नेगेटिव है इसको मैं क्रॉस से डिनोट करूँगा, ठीक है। सो एक पॉजिटिव और एक जो क्रॉस है ये दोनों एक दूसरे को काट जाएगा, ठीक है, अगेन ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। सो बचता है क्या, एक क्रॉस। सो क्रॉस मतलब क्या था, नेगेटिव, सो हेंस एक नेगेटिव ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये वाला केस आ जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों में माइनस होगा। सो 3-2 1 होता है, और साइन ऑफ बिगर नंबर, बड़े नंबर में कौन सा साइन है, नेगेटिव है, सो ये -1 ही होगा। सो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे ये 3 है, सो नेगेटिव 3 है तो 3 क्रॉस लगेगा, और पॉजिटिव 2 है तो 2 टिक मार्क, सो एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है, सो एक नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट अरेंजमेंट आगे पीछे कर दिया, ठीक है। लेकिन ये चौथा नंबर में जो है दोनों नेगेटिव है, सब नेगेटिव, जब दोनों होता है तो आपको ऑपरेशन करना होता है प्लस। सो 3+2 5, और जो साइन है वो आपका नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव। लेकिन इसमें कैसा होता है देखिए, सो 3 नेगेटिव है, उसके साथ और 2 नेगेटिव जुड़ गया, सो मिलकर हो गया 5 नेगेटिव, ओके। सो अगेन जब आपको ऐसा बहुत सारा नंबर दिखेगा जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो बेस्ट वे क्या है जल्दी से जल्दी करने के लिए, आप सारे नेगेटिव्स को कलेक्ट कर लीजिए, जैसे -2, -3, -5 और -3। सो 2, 3, 5, 5, 10, 13, सो -13 है आपके पास, और पॉजिटिव कितना है देखिए, 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव, ठीक है। तो 7, 5, 12, 13, 14 हो गया आपका पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 नेगेटिव है 14 पॉजिटिव है, फिर वापस ये वाला केस आ गया, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, सो क्या होता है आपका माइनस हो जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सो ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 1। सो साइन ऑफ बिगर नंबर, सो बिगर नंबर 14 है, सो इसमें पॉजिटिव लगा है, इसीलिए +1 होगा। ये प्लस को आप रखें या नहीं दिखाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ओके। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो एक फ्रैक्शन में एडिशन होता है, ठीक है। सो उसमें सब लोग का मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है जो बेसिक लैक करते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। सो एक सिंपल सा लेते हैं, सोचिए कि 2+1/5 लेते हैं, ठीक है। सो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे
वन है. ओके सो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सो यहाँ पे नीचे में वन था ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो सबसे पहले आप लेंगे वन और फाइव का एलसीएम. सो एलसीएम आपका फाइव ही होगा क्योंकि वन फाइव जा फाइव ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है वो मैं दिखाता हूँ ठीक है. सो सबसे पहले आपको ये डिनोमिनेटर को लेना है वन, वन को फाइव के साथ आपको डिवाइड करना है ठीक है. तो वन के टेबल में फाइव कितने टाइम्स में आता है, वन फाइव जा फाइव इंटू ये जो ऊपर का नंबर आता है इसका न्यूमरेटर को उसके साथ लगा देना है आपको ठीक है. अगेन प्लस फिर फाइव के साथ फाइव को डिवाइड करने से होता है वन, इसका मतलब फाइव वन जा फाइव इंटू ये जो न्यूमरेटर है उसको फिर यहाँ पे आपको लगाना है वन. सो आपका क्या हो गया फाइव टू जा टेन ओके प्लस वन वन जा वन बाय फाइव सो इलेवन बाय फाइव होता है ठीक है. सो इसको थोड़ा जल्दी से भी आप कर सकते हैं. कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ. जब भी आपके यहाँ पे सिंगल नंबर होता है इंटीजर होता है सो ये डिनोमिनेटर को इसके साथ इंटू कर दीजिए ठीक है. फाइव इंटू टू टेन और यहाँ पे प्लस है सो आप प्लस कर दीजिए टेन प्लस वन इलेवन और डिनोमिनेटर में जो है वो आप लगा दीजिए इलेवन फाइव फाइव ठीक है. सो ये आपका आंसर थोड़ा जल्दी से आ गया. सपोज एक और क्वेश्चन लेता हूँ. सोचिए कि टू माइनस वन बाई फाइव है ठीक है. सो इसको आप जल्दी से कैसे करेंगे, ये दोनों को इंटू कर दीजिए टू फाइव जा टेन और यहाँ पे माइनस है ना सो आपको वन को माइनस कर देना है. सो टेन माइनस वन बाई फाइव सो ये हो जाता है आपका नाइन बाई फाइव. ओके गाइज सो ये आपका हो गया बेसिक एडिशन. तो एक थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ इसमें एक फ्रैक्शन ठीक है. सपोज ले लीजिए टू बाई थ्री प्लस वन, वन नहीं लेता कुछ दूसरा ले लेता हूँ फोर बाई फाइव ले लेता हूँ ठीक है. सो सबसे पहले आप लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम. सो फाइव और थ्री का एलसीएम होता है फिफ्टीन. सो थ्री के टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आता है, फाइव टाइम्स में, उसको आप ऊपर लिख लीजिए इंटू थ्री के न्यूमिनेटर जो है उसको इसके साथ लग जाएगा टू ठीक है. ये प्लस है सो यहाँ पे प्लस आएगा. अगेन फाइव के टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आता है, थ्री टाइम्स, और ये फोर इसके साथ लग जाएगा इंटू फोर सो ये हो जाता है फाइव टू जा टेन प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व बाई फिफ्टीन सो ट्वेंटी टू बाई फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है. सो आपको एक इसमें भी शॉर्टकट हो सकता है ठीक है. जैसे कि टू बाई थ्री इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूँ ठीक है. सो जल्दी से करने के लिए थ्री फाइव जा फिफ्टीन ओके अगेन क्रॉस हो जाएगा फाइव टू जा टेन प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व सो यहाँ पे भी ट्वेंटी टू बाई फिफ्टीन आ जाता है ठीक है. ये भी आपको स्कूल डेज में किसी ने सिखाया होगा टीचर्स ने ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ. जब यहाँ पे दो के बदले तीन फ्रैक्शन आ जाता है ठीक है, तब ये मेथड कोई सा भी काम नहीं करता है. आपको बेसिक ही जाना पड़ेगा जो कि मैंने सबसे पहले सिखाया था. नॉर्मल आपको एलसीएम लेके जाना पड़ेगा. जैसे कि सपोज मैं देता हूँ टू बाई थ्री प्लस फोर बाई फाइव प्लस ले लीजिए फाइव बाई सिक्स ठीक है. अब जब ये तीन आ गया तो आपको दूसरा कुछ आपके पास उपाय नहीं बचता है, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ही लेना पड़ेगा. सो थ्री फाइव और सिक्स का एलसीएम होता है आपका थर्टी. देखिए यहाँ पे फिर भी मैं एलसीएम के चैप्टर में आपको दिखाऊंगा एलसीएम करने के लिए. सो सबसे पहले आप थ्री ले लीजिए थ्री वन जा थ्री सो ये फाइव नहीं आएगा तो वैसे रह जाएगा. देन थ्री टू जा सिक्स सो फाइव टू जा टेन टेन थ्री जा थर्टी सो आपका एलसीएम हो जाएगा थर्टी ठीक है. अभी थ्री के टेबल में थर्टी कितने टाइम्स आता है, सो टेन टाइम्स ठीक है इनटू ये ऊपर में जो है न्यूमिनेटर टू. अगेन प्लस फाइव के टेबल में थर्टी कितने टाइम्स आता है, सिक्स टाइम्स इनटू ये फोर आ जाएगा. फिर से सिक्स के टेबल में थर्टी फाइव टाइम्स इनटू ये फाइव आ जाएगा ठीक है. सो ये मेथड फॉलो कीजिए, आपको कितने भी फ्रैक्शन हो जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है. अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाएगा तो आपको बस ये प्लस के जगह में
यहाँ पे अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे आप नेगेटिव से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यही मेथड चलेगा, ठीक है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, थैंक यू, आई विल बी बैक सून विथ माई न्यू वीडियोज़।